अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, व्हाट्सएप पनकट शो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाजरीन, TRS के दो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट MLC इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल करी। हैदराबाद महमनगर रंगारेड्डी से साबिका वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दुख्तर जो TRS की कैंडिडेट है श्रीमती S वानी देवी, और नलगुंडा दूसरे इलाके के TRS के कैंडिडेट पल्ले राजेश्वर राव ने कामयाबी हासिल करी। इन दोनों की कामयाबी पर TRS पार्टी के वर्करों में जोश व खरोश दिखाई दिया, जश्न मनाई दिया। एक तरफ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर एडवोकेट मौलवी वहीद अहमद और साबिका माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अकबर हुसैन ने अपनी खुशी का इजहार मिठाइयाँ तकसीम करते हुए सादगी से मनाया, क्योंकि हम आपको बता दें वहीद अहमद अकबर हुसैन ने आज तक कभी भी TRS के MLC कैंडिडेट्स वानी देवी से या पल्ले राजेश्वर राव से कभी मुलाकात भी नहीं की थी इलेक्शन के दौरान। सिर्फ अपने कायद CM KCR के हुक्म पर उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी मेहनत की, वोट हासिल करने के लिए काफ़ी जुस्तजू की और वो सादगी से जश्न मनाए हैं। दूसरी तरफ इन दोनों की कामयाबी पर TRS पार्टी के वर्करों में जोश व खरोश दिखाई दिया, जश्न मनाई दिया। एक तरफ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर एडवोकेट मौलवी वहीद अहमद और साबिका माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अकबर हुसैन ने अपनी खुशी का इजहार मिठाइयां तकसीम करते हुए सादगी से मनाया, क्योंकि हम आपको बता दें वहीद अहमद अकबर हुसैन ने आज तक कभी भी TRS के MLC कैंडिडेट्स वानी देवी से या पल्ले राजेश्वर राव से कभी मुलाकात भी नहीं की थी इलेक्शन के दौरान। सिर्फ अपने कायद CM KCR के हुक्म पर उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी मेहनत की, वोट हासिल करने के लिए